Seven Hypo. उतरेगा सर, उतरेगा? कितना लग सर? कितना लग? मैं उतर चुका हूँ बोरा ग्वाले स्टेशन में। देखिए ट्रेन निकल चुकी है, तो मेरे ठीक पीछे है बोरा ग्वाले स्टेशन और ये देखिए हिल एरिया बहुत ऊपर है, ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा ऊपर। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ आपका आरकू वैली का टूर, मतलब आरकू वैली का साइट सीन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं उतरा था बोरा ग्वाले स्टेशन में, तो ये है आपका बोरा ग्वाले स्टेशन, कुछ इस टाइप का दिखता है, एकदम पहाड़ के ऊपर है, पीछे उधर देखिए पहाड़ी पहाड़ है, इस टाइप का छोटा सा बहुत सुंदर सा स्टेशन है। अभी यहाँ से एग्ज़िट करूँगा, एग्ज़िट करके कुछ खाऊँगा पीऊँगा, उसके बाद आपको कोई गाड़ी वाड़ी रिजर्व करके जाऊँगा आरकू वैली का जितना सारा साइट सीन है बुक करने के लिए। हाँ देखिए टैक्सी वैक्सी सब कुछ है वहाँ पे। बाहर निकलते हैं, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड वगैरह है, यहाँ पे आप लोग टैक्सी को रेंट करके जा सकते हैं। तो हम लोग अभी बोरा ग्वाले से कर लिए है एक टैक्सी, प्राइस लिया है 3500। सब कुछ घुमा के आरकू वैली का साइट सीन वगैरह सब कुछ करा के हम लोगों को आरकू स्टेशन तक छोड़ देगा। तो आरकू स्टेशन से हमारा ट्रेन है 3:45 में, तो सब कुछ घुमा फिरा के हमें स्टेशन तक छोड़ देगा, तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टेशन से निकलते आराम से टैक्सी वगैरह मिल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हिल से ठीक नीचे तरफ, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा खाने पीने का जगह है। तो हम लोग अभी करेंगे पहले केप देखेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद चलने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो पहले केप देख लेते हैं। यहाँ पे गाड़ी का पार्किंग, ये है बोरा केप जाने का रोड, यहाँ से जाना है आगे आगे तरफ। तो हमें ऐसे नीचे से ऐसे खड़ा चढ़ाई करके ऊपर तक आना है। तो ये है गेट बोरा केप का, और इधर ये वाला है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट काटना है, उसके बाद आपको अंदर जाना है। तो पीछे का कुछ सीनरी इस तरीके का है। तो मैंने अभी टिकट खरीद चुका हूँ, पर पर्सन आपका 80 रुपीज़ करके, कैमरा के लिए लिया 100 रुपीज़, मतलब वीडियोग्राफी के लिए 100 रुपीज़, और पर पर्सन है 80 रुपये करके। अभी मैं टिकट काउंटर से अंदर आ चुका हूँ, अब ये रहा बोरा ग्वाले जाने का रास्ता। यहाँ पे आपको बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिखा था आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना। अब जाता हूँ आगे की तरफ, पूरा पहाड़ी रास्ता है, मतलब ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे है। यहाँ देखिए पत्थर, उस रास्ते से वहाँ से मैं आया। तो वहाँ से आने के बाद वहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएगा, वहाँ से आने के बाद सीन है ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी से इतना नीचे तक जाना है, बाप रे बाप, वो सीढ़ी कर करके वहाँ पे झरना भी है, एक वाटरफॉल, बहुत एकदम नीचे तक जाना है। हाँ नीचे चलते समय तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऊपर आते समय होगा प्रॉब्लम। ये रहा गुहा का मुंह,
मतलब थोड़ा सा नीचे आते ही हम लोग पहुँच गए गोवा का मुँह तक। और सीढ़ी से नीचे जाना है वहाँ 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 तक। तो ये है केव। आगे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये है आपका कबोड़ा केव। ये देखिए पूरा पीछे देख लाइटिंग वाइटिंग दिया है। तो बहुत सुंदर केव है, कुछ इस टाइप का दिखता है। तो कुछ इस टाइप का केव दिखता है, आगे से ऐसा दिखता है। वहाँ से आया ये रहा केव। वहाँ एक गैप है, वहाँ देखिए गैप बहुत ऊपर है। इधर से आगे जाके नीचे और भी है। अच्छा वो नीचे और भी है, नीचे लोग जा रहे हैं। देखिए चलते हैं नीचे, जाते हैं नीचे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या 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 है, गुफा कैसा है वो देखते हैं। गुफा तो बहुत अच्छा है। तो आप उधर से आके अभी जाऊंगा नीचे। सीढ़ी बहुत दूर तक है, वहां तक है, बहुत दूर तक नीचे जाना है। ऊपर कुछ इस टाइप का दिखता है, पत्थर ही पत्थर। पूरा अंधेरा अंधेरा रास्ता, ये देखिए ऊपर नीचे, यहाँ देखिए पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। पानी कहाँ से गिर रहा है वो देखिए ऊपर कुछ इस टाइप का दिखता है। वहाँ से हम लोग वहाँ से आए, वहाँ से आके इधर इधर से नीचे आके यहाँ पे पता नहीं पानी गिर रहा है कहाँ से। इनका पाई का अदे अदे जस्ट अदे आगे भी रास्ता है। मैं आया हूँ बहुत नीचे तक, और भी नीचे है वो, पीछे आप लोग देख सकते हो उधर 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 जाके और भी नीचे है। तो उतना दूर तक तो जाऊँगा नहीं, सब एक ही है गुहा है, बहुत लंबा और बड़ा गुहा है ये, बहुत ज़्यादा गहरा केव है, बहुत लॉन्ग केव है, मतलब
अभी भी बहुत आधा ही आया हूँ और भी आधा जाने, बट मैं जाऊँगा नहीं, यहीं से आप लोग देख लीजिए। वो देखिए आगे तक, वहाँ पे, वहाँ तक है और भी आगे है लोग इस साइड में, यहाँ से लेके वो देखिए वहाँ से लोग जाना आना कर रहा है। लाइट भी दिया हुआ है, देखिए देखिए वहाँ वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन हुआ है, देखिए कैसे पत्थर के ऊपर, ये सब फनगस टाइप का कुछ है। देखिए लोग ऊपर भी जा रहा है, उधर भी है, नीचे से भी जाने का है। तो ये है आपका बोड़ा केव, और भी आगे तक है, नीचे है वो आप, मेरा जो पीछे उस साइड में भी है, बहुत जगह है जाने का, बट उतना नहीं चला जा सकता है, बहुत खारा खारा सीढ़ी है, मतलब हाई सीढ़ी है, तो उतना सीढ़ी एक एक करके जाना पॉसिबल नहीं है, आगे और भी साइड सीन मुझे करना है। तो ये है आपका बोड़ा केव, बहुत सुंदर है। अब अराकू वैली आ रहे हो तो बोड़ा केव में आप लोग ज़रूर आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जगह देखने का, मतलब विशाखापट्टनम विजिट कर रहे हो, अराकू वैली आ रहे हो तो बोड़ा केव में ज़रूर आना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जगह है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। वहाँ देखिए वहाँ से सूरज का रोशनी आ रहा है गुफा के अंदर तक, ये देखिए। वहाँ से सूरज का रोशनी आ रहा है ठीक मेरे माथे के ऊपर से, और ये रहा पीछे मेरा केव। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह दिया है इसलिए कलरफुल दिखाई दे रहा है। तो बोड़ा केव देखना हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ बाहर। बाहर निकल रहा हूँ, we'll be right back।